वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पीवीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरा क्लास। पिछली क्लास में आप लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के सवाल समझ लिए थे, पहला मेथड सीख लिया था, आज हम दूसरा मेथड सीखेंगे। इसका कारण क्या है, आप लोग परीक्षा में जाते हैं, चाहे वो आरआरबी रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी की हो, क्वेश्चन मिलता है, आपको हल करना आता रहता है, लेकिन आप छोड़ के चले जाते हैं या हल करते हैं, तब तक टाइम बीत जाता है। तो ये ना होने पाए, इसलिए ये आपकी स्पेशल क्लास है, ध्यान से देखिएगा। आपसे हमारी रिक्वेस्ट होगी, इस क्लास को पूरा देखिएगा, 10 मिनट जरूर देखिएगा, जिससे आपको समझ में आए। तो रेशियो मेथड क्या होता है, अनुपात का मेथड। अनुपात का मेथड मतलब कि अनुपात से संबंधित सवाल लगभग हर एक टॉपिक में आते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे दें कि दो कार हैं, मान लेते हैं ए की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे है और बी की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर घंटे है, ठीक ना, गौर से समझिएगा। अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों कारों की चालों का अनुपात क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना है। लगभग लोग कर लिए होंगे, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो जिनको अनुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम वो नहीं कर पाएंगे। दो कार हैं ए और बी, ए की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे, बी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बोथ कार्स, कैसे निकालेंगे भाई, इसको अनुपात में करना है, ए अनुपात बी इक्वल ये 10 अनुपात हो जाएगा 15, लेकिन ये तो उत्तर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अभी ये डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या से इसको काटेंगे, मतलब कि दोनों का एचसीएफ ले लीजिए तो क्या आएगा, आप लेकर के देख लीजिएगा, 5 आएगा, 5 से काट दीजिए तो 5 × 10 और 5 × 15, इस तरह से आप कह सकते हो कि ए अनुपात बी इक्वल 2:3, मतलब कि दोनों कारों का जो अनुपात था वो 2:3 था, समझ में आया। अब इस पर हम कुछ और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लास छोड़ के मत जाइएगा, सब कुछ समझ में आने की जिम्मेदारी होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, बहुत ही आसान है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा फिर आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है, जरूरी नहीं, रेलवे की परीक्षा में जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि रेलवे में दौड़ भाग का ही काम होता है ना, आप जानते हैं ट्रेन चलती है वहां पर स्पीड वगैरह या फिर ये सब चीजें वहां पे होता है। तो क्वेश्चन है, दो कारों की चालों में ए और बी का अनुपात है, मतलब दो कार हैं जो कि उनमें जो रेशियो है ए अनुपात बी का है, मतलब कि स्पीड का रेशियो ए और बी का है, कितना है, दो कार है, मान लेते हैं कि कारों का नाम चलिए पी और क्यू है, ठीक है, तो पी और क्यू में कितने का रेशियो है, ए और बी का। तो कह रहा फिर इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, भाई कार है चल रही है तो ए और बी का अनुपात में चाल है तो टाइम भी तो कुछ लगी। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जो टाइम का अनुपात होगा यानी कि T1 अनुपात T2 वो सदा क्या होता है, चाल के अनुपात का उल्टा होता है, और कैसे उल्टा होता है वो हम आपको भी सिखा देंगे। इसका आंसर हो जाएगा B अनुपात A, अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको आंख बंद करके लगा दीजिए। अगर चालों का अनुपात 2:1 दिया है तो समय का अनुपात क्या होगा, 1:2 होगा। अगर कहीं भी चाल का अनुपात 3:5 दिया है तो समय का अनुपात 5:3 होगा, क्योंकि चाल और समय जो होता है अनुपात में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं इसको हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे, बस देखते रहिएगा, जाइएगा मत। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड इक्वल होती है, ये देखिए ये फॉर्मूला होता है, यस इक्वल यानी कि स्पीड इक्वल D/T, ये फार्मूला होता है, सभी लोग जानते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों समझिएगा, इसे बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या होगा भाई, यहां से D बराबर निकालोगे तो यस इंटू टी हो जाएगा, यानी कि स्पीड और इंटू क्या हो जाएगा, टाइम। हमें सिद्ध करना है जो हमने बताया कि जो चाल है वो समय के जस्ट अपोजिट होगा या समय चाल के अपोजिट होगा, कैसे देखिए, मानते हैं दो कार है, दो कार ही क्यों बोले बार बार, मानते ट्रेन है, दो ट्रेन है जो कि एक निश्चित दूरी को तय करती हैं, मतलब दूरी निश्चित है, इलाहाबाद से जा रही है मान लीजिए बनारस, दोनों ट्रेन जा रही बनारस, तो भाई दोनों के लिए दूरी तो उतना ही है, क्योंकि बनारस जितना पहली ट्रेन के लिए होगा उतना ही दूरी दूसरी ट्रेन के लिए भी होगा, तो दूरी तो निश्चित है, ये तो बदलेगा नहीं, लेकिन स्पीड दोनों की अलग अलग हो सकती है,
मानते हैं कि राजधानी है, एक कोई और दूसरी ट्रेन है, हरिद्वार एक्सप्रेस है, तो क्या होगा, कोई धीम जाएगी कोई तेज जाएगी। जो तेज जाएगी स्पीड ज्यादा होगी, टाइम कम लगेगा। स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। यहां पर आप देख रहे होंगे जब स्पीड बढ़ रही तो टाइम घट रहा है, और जब स्पीड घट रही है तो टाइम बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है ना। लेकिन इसको हम अभी और आपको बहुत अच्छे से दिखाएंगे आपको कैसे। देखिए दो कार हैं या दो ट्रेन है, तो इसको हमने मान लिया T1, इसको भी क्या मान लिया S1, इसको T1, क्योंकि दो है। और दूसरे के लिए क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं भाई, स्पीड दूसरी वाली ट्रेन का क्या हो जाएगा, इसको हमने मान लिया और स्पीड टू, स्पीड और ये टाइम टू, क्योंकि दूसरी ट्रेन का है, लेकिन ये वही रहेगा, डिस्टेंस ही रहेगा, ये वन और टू नहीं होगा। और वन और टू क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों की दूरी एक समान है, तो इसको वन और टू नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका क्या बना, स्पीड इंटू टाइम वन, यानी कि स्पीड वन इंटू टाइम वन, स्पीड टू इंटू टाइम टू, तो ये कटेगा तो वन आएगा, है ना। तो इस तरह से आप पाएंगे वन अपान वन इक्वल, अब इसको आप मान लीजिए कि ये स्पीड को हमने मान लिया ए और ये दूसरी स्पीड को मान लिया बी, तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, ए अपान बी इंटू ये देखिए टी वन अपान टी टू। अब आप बोलेंगे टी वन टी टू कहां से आया, जो यहाँ पे टाइम वन और टाइम टू लिखा था इसको टी वन अपान टी टू कर दिया। यहां से आप निकाल लो क्या, अब इतना तो आप कर ही ले जाएंगे ना, क्या निकालना है, यहां से आपको निकालना है टी वन अपान टी टू इक्वल बी अपान ए। तो आपने यहां पर क्या देखा कि जो समय है वो जस्ट उसके क्या होता है, चाल के अनुपात का उल्टा होता है। आ गया ना उल्टा कि नहीं आया, मतलब टी वन अपान टी टू जो है वो क्या आया, बी अपान ए। समझ गए ना कैसे हुआ था। तो कहीं भी अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी ट्रेन है, बस है, या कोई प्रकार का वाहन है, या कोई आदमी है और दो है, अगर दोनों का चाल का अनुपात दिया है तो उनके समय का अनुपात उसका जस्ट उल्टा होगा। अगर समय का अनुपात दिया है तो चाल का अनुपात क्या होगा, उल्टा होगा। आगे देखिएगा इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ और भी सवाल, हमारे साथ बने रहिएगा, पक्का समझ में आएगा।